तो अभी हम लोग घोड़ा पे उठने वाला हूँ, अभी देख लीजिए ये रहा घोड़ा। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरा एक नया वीडियो स्वागत है। तो आज है 26 जनवरी। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो मैं आज जा रहा हूँ बोगीबिल ब्रिज पर। तो मेरा साथ आज जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, आपका सुनने का नाम क्या था? नीला आर्यन ऑफिशियल। तो आज हम लोग जा रहा हूँ अपना बाइक साइकिल पर, देख लीजिए बाइक साइकिल। ये रहा मेरा बाइक साइकिल, इसको बना रहा है अभी। मैं अपना वो पल्सर बाइक लेके नहीं जाऊंगा आज, तो आज इसको लेके जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर मेरा दोस्त सबको एक एक फ्लैग खरीद कर दे रहा है, देख लीजिए। ये रहा हम लोगों का भारत का फ्लैग, देखिए कितना सुंदर है। तो अभी हम लोग जा रहा हो, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बारिश भी दे रहा है, पूरा रास्ता भीग गया है। और मेरा आवाज़ भी आप सबको ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरा आवाज़ पूरी तरह से बैठ चुका है, क्योंकि मैंने पिछली रात नहाया था, इसलिए पूरा सर्दी हो गया। थाने नहाया था पूरा बारिश में भीग कर, इसलिए अभी पूरा सर्दी हो गया है। हम लोगों का फ्लैग पूरी तरह से लहरा रहा है। इसका रीज़न है हमारे देश के डिफेंस लाइन में रहने वाले फौजी भाइयों के वजह से, जो हम लोगों के लिए बॉर्डर पर दिन रात एक करके ड्यूटी करता है। उन सभी के लिए दिल से सलाम। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अभी पहुंच चुका हूँ कुलामुआ। देख लीजिए आज बहुत बारिश दे रहा है, तो इसलिए हम सबको वीडियो शूट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मेरे साथ में है ये तादुल, और पीछे एक फ्रेंड है, आगे में भी एक फ्रेंड जा रहा है वीडियो बनाकर। देख लीजिए सड़क पे कितना पानी पानी हो गया है। फाइनली हम लोग बोगीबिल ब्रिज पे पहुंचने वाला हो, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को। देख लीजिए पूरा साइकिल चला चला के आ रहा हो हम लोग। अभी मेरे दोस्त लोग आगे है। घर से निकलने का समय पे बहुत बारिश था, लेकिन अभी बारिश बंद हो चुका है, अभी धूप निकल गया। देख लीजिए बोगीबिल का सामने का नजारा, देख लीजिए कितना सुंदर है। देख लीजिए सर, तो यहाँ पर बहुत शोर शराबा है, क्योंकि हम लोग अभी हाईवे पे हूँ, और यह हम लोग का 11 सा झंडा। हम लोग घर से बोगीबिल ब्रिज तक साइकिल चला के आया हो, मतलब हम लोग का सिला पत्थर से बोगीबिल ब्रिज तक कितना किलोमीटर है मुझे इतना अच्छी तरह से आइडिया नहीं है। मैं बाद में अपना लोकेशन पे जाके दिखा दूंगा कितना किलोमीटर है शिलापट्टा से बोगीबिल तक, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लोकेशन चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप सबको मैं बता दूंगा। ये रहा हम लोगों का लोकेशन, शिलापट्टा से बोगीबिल ब्रिज तक मिनिमम 20 किलोमीटर है। बाइक पे जाने से मिनिमम 25 मिनट लगता है, लेकिन हम लोग तो बाइक साइकिल पर आया हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है अभी। तो अभी हम लोग बोगीबिल पहुँचने वाला हो, उससे पहले हम लोग को एक ब्रिज मिल गया। ये रहा वो ब्रिज, उस तरफ ट्रेन का ब्रिज है, ये गाड़ी के लिए है ये ब्रिज, और नीचे है पानी, देख लीजिए कितना साफ है पानी, और इसका नज़ारा देखिए एक बार कितना साफ है, देख लीजिए ये देखिए कितना सुंदर एक व्यू है, देख लीजिए। और नदी का पानी भी बहुत साफ है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, ये है हाईवे, हाईवे का सामने ये है बेर का पेड़। कितना सता है देख लीजिए ना, कितना लगा हुआ है भाई, इतना बेर है देख लीजिए, और पेड़ है इतना सोता। हम लोग का गांव में ऐसे कभी भी नहीं होता है। और अभी हम लोग पहुंच चुका हूँ बेर खाते खाते टोंगानी स्टेशन। ये देख लीजिए स्टेशन, ये स्टेशन बोगीबिल का ठीक सामने ही है, नाम है इसका टोंगानी स्टेशन। हम लोग फाइनली हम लोग अभी बोगीबिल ब्रिज पर पहुंच चुका हूँ। देख लीजिए कितना उत्साह है, अभी ऊपर की तरफ चल रहा हूँ। हम लोग बहुत थक चुका हूँ, मेरा मतलब इतना थक चुका हूँ कि मुंह से मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। देख लीजिए और बहुत ऊपर चढ़ना है, चला के जा रहा हूँ, चला के साइड का व्यू देख लीजिए कितना सुंदर है। फिर से बारिश आने वाला है, फिर से अभी फिर से भीगना पड़ेगा। चलो आप लोग वीडियो को देख के इंजॉय कीजिए, हम लोग बारिश पर भी भीगते रहेंगे। तो अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुका हूँ बोगीबिल ब्रिज, देख लीजिए ये बोगीबिल ब्रिज, और ये पीछे का व्यू बहुत लंबा है, लंबा है, यहाँ से बहुत लंबा है। देख लीजिए किस तरह का है बोगीबिल ब्रिज, यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, मतलब अभी जो गाड़ी जा रहा है उससे बहुत शोर हो रहा है। आप सबको मेरा आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज है, ये ऊपर का तरफ हाईवे है और नीचे की तरफ ट्रेन जाने के लिए रास्ता है, मतलब इस ब्रिज से ट्रेन भी जा सकता है और गाड़ी भी। आप सबको मैं जहाँ से ट्रेन जाता है उसको भी दिखाऊंगा मैं भी। ट्रेन जाता है नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से जाता है गाड़ी। और अभी यहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुका है, देख लीजिए मैं अभी धीरे धीरे भीगने लगा हूँ, तो बहुत धमाका बारिश होने वाला है। देख लीजिए ऊपर में कितना काला है, कितना काला हो रहा है इस तरफ देख लीजिए। तो आप लोग एक बार ब्रिज को देखिए, हम लोग फिर से मैं आप सबको फिर से जिस रास्ते से ट्रेन जाता है उसको दिखाने के लिए जा रहा हूँ नीचे में। बारिश शुरू हो चुका है और साइड का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है, साइड का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है, देख लीजिए तो फ्रेंड्स फिर से बारिश स्टार्ट हो चुका है, मैं भी पूरी तरह से भीग चुका हूँ, बहुत ठंड लग रहा है मुझे। देख लीजिए जैकेट भी लगा लिया है और ब्रिज अटक गया यहाँ पर। अरे तो मेरा जैकेट का टोपी बेर के पेड़ पर अटक गया था। तो यहाँ पर अभी बहुत बारिश दे रहा है, देख लीजिए कितना, मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ। अभी ब्रिज है वहाँ पर, फिर से नीचे जाने के लिए फिर से घूर के जाना पड़ेगा नीचे पर, जो ट्रेन का ट्रैक है वहाँ पर जाने के लिए फिर से नीचे से आके, मतलब फिर से घूर के आना पड़ता है, उसके बाद ही नीचे में जा सकता है। तो अभी हम लोग बोगीबिल ब्रिज का नीचे आ चुका हूँ, देख लीजिए ये है बोगीबिल ब्रिज, जो ऊपर में हाईवे है और नीचे की तरफ ट्रेन ट्रैक है, मतलब ट्रेन जाने के लिए ट्रैक है। देख लीजिए ये ब्रिज, चलो आप लोग पूरी ब्रिज को एक बार नीचे से अच्छी तरह से देख लीजिए।
लोग घोड़ा पे उठने वाला हूँ अभी, देख लीजिए ये रहा घोड़ा। तो कैसे उठने अभी इसको दिखा रहा है। तो अभी मैं घोड़ा पे उठ चुका हूँ, देख लीजिए उठने में तो बहुत मजा आ रहा है, देख लीजिए डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। तो मैंने अभी हॉर्स राइड भी कर लिया है, करने में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन यहाँ पर बहुत दुखता है लेकिन पिछवाड़ा में। अभी बहुत टाइम हो चुका है, लगभग घर से निकला था हम लोग 9 बजे, अभी लगभग 12 PM के आसपास हो चुका है, इसलिए बहुत भूख लग गया हम लोगों को, बहुत भूख लग रहा है, अभी कुछ खा के जाना पड़ेगा घर पर। चलो आज वीडियो में यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए बाय बाय।